नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़ और आ गया हूं लेकर रियल नंबर का सेकंड लेक्चर, जिसमें आपको अब मैं बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। इस टॉपिक पर क्वेश्चन फिक्स्ड है, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे फर्स्ट टर्म, चाहे एग्जाम, चाहे प्री बोर्ड या फाइनल एग्जाम, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप होता। यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास जब भी कोई नंबर दो डिवाइड करने पे आए, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। पहले दिमाग में तो आता है कि भाई ये लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम मतलब एक डिफाइंड स्टेप, लेमा मतलब प्रूवन थ्योरम। बात सुनिएगा ध्यान से, आप अगर किसी रास्ते में चल रहे हैं तो आपको ये पता है कि उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, तो ये हुआ एक एल्गोरिथम कि आपको पता है कि एक डेस्टिनेशन तक इसी साइड रहकर, मतलब लेफ्ट साइड पे रहकर चलना है और उसी तरह से आपको डेस्टिनेशन पहुंचना है। ये होती है आपकी एल्गोरिथम कि प्री डिफाइंड स्टेप्स को आपने फिक्स कर दिया है। लेमा मतलब अप्रूवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है, सपोज 11 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो डिवाइड करने के लिए आपको एल्गोरिथम फिक्स है कि आपको कोई नंबर ढूंढना है कि 4 में कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि 11 या 11 से छोटा हो, तो ये यहां पर आएगा 2। तो आपने इस तरह से 2 लिखकर यहां पर 8, और यहां आपको पता है कि 11-8 यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा और यहां पर आपके पास 3 आएगा। तो ये एक तरीका, एक प्रोसीजर फिक्स है डिवाइड करने का, इसको कहा जाएगा एल्गोरिथम। प्री डिफाइंड स्टेप्स जो कि फिक्स होती हैं, इसको कहेंगे एल्गोरिथम। इसको आगे बढ़ाकर हम चाहें तो एक बात और बोल सकते हैं कि आपको पता है कि ये है आपका डिविडेंड, जो एक्टिंग करता है वो एक्टर, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर। जी हाँ, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका रिमाइंडर। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। तो आपने देखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। तो ये आपने लेमा लिख दिया है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करो, आपके पास ये जो लेमा है वो प्रूव रहेगा, ये कभी किसी भी आंसर के लिए चेंज नहीं होगा। तो जो प्रूवन स्टेटमेंट होती है उसको बोलते हैं लेमा। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया कि क्या है हमारा लेमा, क्या है हमारा एल्गोरिथम। अब आते हैं हमारे ए और बी पर। ए को आपने बी से डिवाइड किया तो क्यू आपका क्वेश्चन आया और आर आपका रिमाइंडर, तो क्या उसको लेमा के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे? जी हाँ लिखेंगे। आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर चाहे जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं आ सकता, ना ही डिवाइजर से कभी बड़ा आ सकता है। जब भी आएगा रिमाइंडर 3 आया है। यहां पर अगर 4 आया होता, ध्यान सुनिएगा, यहां पर 4 वैसे आना पॉसिबल नहीं है, अगर आया होता तो यहां पर 11 की जगह 12 होता। जी हाँ, और अगर 12 होता तो आप 2 से डिवाइड क्यों करते, आप 3 से डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर 0 जाता, 4 3 12 और यहां पे 12 आता, 0 जाता। वैसे ही आपको ये फिक्स हो जाता है कि कभी भी आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन कभी भी आपके डिवाइजर से बड़ी या डिवाइजर के बराबर नहीं आएगी। इसलिए आप कंडीशन लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, जो कि लेमा हो गया, वेयर रिमाइंडर r की वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0 और कैन बी ग्रेटर देन 0 बट कैन नॉट बी इक्वल टू b, दैट इज डिवाइजर। b से हमेशा वैल्यू छोटी ही रहेगी। तो ये जब भी आप लिखेंगे दोनों साथ में कंडीशन लिखेंगे कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हमेशा साथ में ही कंडीशंस आएंगी और इन्हीं को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा। इस एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर के बीच का एचसीएफ निकालने के लिए भी। इसी तरह के क्वेश्चन पे ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, यहां आपने देखा कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एचसीएफ निकालना, एलसीएफ निकालना पहले भी भाई ने सीखा हुआ है। कैसे सीखा था? कि जब आप 135 को लेते थे, इसके आप बहुत सारे फैक्टर लेते थे, फिर 225 लेते थे, इसके आप बहुत सारे फैक्टर लेते थे, जो भी इसमें से बराबर या कॉमन होता था उसको आप ले लेते थे, वो आपका एचसीएफ होता था। लेकिन यहां पर क्योंकि यूक्लिड बोल रहा है तो उसको हम यूक्लिड की तरीके से ही निकालेंगे।
और यूक्लिड कैसे निकालता है? यूक्लिड निकालता है कंटीन्यूअस डिवाइड करके, देखते हैं कैसे। इस स्टेप के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आपने बड़े नंबर को अंदर लिया और छोटे नंबर को बाहर लिया और डिवाइड करना स्टार्ट किया। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, ठीक है? शुरू करते हैं। तो 135 तो 135 से जाएगा, आपको पता है अच्छी तरह से कि यहां पर रिमाइंडर 90 आएगा। आपका रिमाइंडर 90 आया भाई, जीरो नहीं आया। अब आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपका पहले डिवाइजर था वो अब आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो अब आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो यहां पर ये नंबर उचक के आएगा 135। जी हाँ, अब दोबारा से करेंगे डिवाइड, तो यहां आया 45। देखिए दोस्तों, पहले रिमाइंडर 90 था, अब और छोटा आया। हम डिवाइड करते जाएंगे, धीरे धीरे छोटा होते होते जीरो हो जाएगा। कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं आप लोगों। अब जो आपका रिमाइंडर था वो अब दोबारा से आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो यहां पर 45 2 90 0 0। दोस्तों याद रखिएगा, जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आएगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जी हाँ, जब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा उस स्टेप पे जो भी डिवाइड कर रहा होगा वो नंबर कहलाएगा आपका एचसीएफ। तो आपको याद रखना है कि आप लिखेंगे किस तरह से इसको, एचसीएफ 135 225 = 45। तो ये आपका आंसर है। आपने HCF निकाल लिया है दो नंबरों का बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। याद रखने वाली बात यह है कि हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, और यह भी याद रखना है कि जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आएगा उस स्टेप का डिवाइजर आपका आंसर रहेगा, मतलब HCF रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपके पास तीन नंबर आ गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको दो और दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालने का मौका देता है। तो क्या करेंगे हम जब हमारे पास तीन नंबर आ जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, जब आपके पास तीन नंबर आएंगे, वैसे तो आप कोई भी दो नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन एक रूल बना लीजिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पहले स्लॉट में चूज करेंगे। जी हाँ, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज इसी क्वेश्चन में करनी है। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर चूज कर लीजिए, इसका आप एचसीएफ निकालिए कंटीन्यूअस डिवाइड करके। जो भी एचसीएफ आएगा उसको, एचसीएफ को बचे हुए तीसरे नंबर से फिर से वही प्रोसेस कराएंगे, तो आपका फाइनल एचसीएफ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हमने लिया है 324 और 180। तो ये आपके दो नंबर हैं। आपने 180 को तो 1 से ही करना पड़ेगा। अब एचसीएफ आपका आ गया 144, तो आपने फिर से इसको डिवाइड किया 180 से, आपको फिर 1 से करना पड़ेगा, और 36 को आप डिवाइड करेंगे। आपको पता है 36 4 तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आता है उस स्टेप पे जो डिवाइड कर रहा होता है, जो डिवाइजर होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो आपको पता है कि इसको लिखना किस तरह से है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ दो नंबर का एचसीएफ निकाला है। तो आप लिखेंगे, अब जो आपका एचसीएफ आया है 36, उसको बचे हुए दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर से वही प्रोसेस चालू जाएगी, और आपको अच्छी तरह पता है कि 36 7 2 5 2, जिस स्टेप पे आपका जीरो आया है उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हुआ? जी हाँ, 36। तो लिख दीजिए इसको आंसर के फॉर्म में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करते जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी हुई शीट जरूर सॉल्व करिएगा। आइए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस केस में आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर वो एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तीन नंबरों का, जो कि रिमाइंडर लाते हैं 8 इन ऑल द केसेस।
यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि रिमाइंडर कब आता है। रिमाइंडर तब आता है जब आपके वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा चीज एडेड हो, वो एक्स्ट्रा चीज हट जाए तो रिमाइंडर खत्म हो जाता है। मतलब आपको ये 8 सारे के सारे नंबर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है लीविंग रिमाइंडर 8 इन ऑल द 3 केसेस। मतलब इन तीनों केस में से 8 आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके इसका आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। कि देखते हैं किस तरह से। यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि हम तीनों नंबर में से 8 माइनस कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन की जगह हो सकता था कि क्वेश्चन ऐसा होता, तीन नंबर दिए होते और लिखा होता लीव्स रिमाइंडर 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, जिसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि 48, 72, 120 तीनों के तीनों एक ही रिमाइंडर लूज कर रहे हैं जो कि है 8। वैसे ही आप ये भी बोल सकते थे कि भैया 48, 72, 120 Leaving remainder 3, 4, 5 in all the cases respectively। मतलब तीनों केस में से अलग अलग रिमाइंडर भी बोल सकता था वो। तो आप क्या करते, तीनों में से इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के इसमें से 3 हटा देते, इसमें से 4 हटा देते, इसमें से 5 हटा देते, अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो अलग अलग हटाएंगे। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आपको और आसान दे दिया है कि आपको सबके सबके रिमाइंडर सेम दे दिए हैं, तो आपको सेम रिमाइंडर डालें। क्या करेंगे बताइए, माइनस किया, बिना माइनस किए रिमाइंडर आपको एचसीएफ स्टार्ट नहीं करना है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पे माइनस करेंगे, अब आपके पास 3 नंबर तैयार हैं, इनका आप इंडिविजुअली एचसीएफ निकालने वाले हैं, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर सबसे बड़े नंबर पकड़ लीजिए। वैसे तो आप किसी भी दो नंबर को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमने रूल बना दिया है कि सबसे छोटे या सबसे बड़े नंबर को पकड़ लेंगे। तो यहां पर आएगा 112, 40, रिमाइंडर 0 नहीं आया आपका, अभी और डिवाइड करना है। अब जो आपका डिवाइजर था वो सामने आएगा, डिवाइड करेगा, क्या आया बताइए। आपको पता है कि ये आपको रिमाइंडर 0 देने वाला है, कौन सी वैल्यू पे, 4 पे। और आपको अच्छी तरह पता है कि जिस भी कंडीशन पे, जिस भी स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है आपका, उस वाला डिवाइजर को आप एचसीएफ मानते। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इस HCF को लेके बचे हुए दूसरे नंबर पे आप लेके आएंगे 64, 8, 8 is 64, रिमाइंडर 0। तो लिख दीजिए यहां पर कि HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 8, और वी कैन से HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 48, 72, 120 लीविंग रिमाइंडर 8 इन ऑल द केसेस इज 8। तो इन दिस केस योर आंसर इज 8। Midges that be fire juggling, maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown, know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.